बहुत बहुत धन्यवाद गर्मजोशी से और प्यार से तालियां बजाने के लिए। देखिए आप लोग किसी न किसी मकसद से आए हैं यहाँ पे, यस या नो? यस या नो? पर हमारे म्यूजिक वाले भैया जो है कि अपने मकसद से आए हैं, पूरा दबा के सो रहे हैं, ठीक है? तो उनको पता है कि हम म्यूजिक के लिए आए हैं। अब आपको पता करना है कि हम किस लिए आए हैं। यस या नो? यस या नो? दोस्त सर ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। रियल में इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हाँ या ना? कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है कि कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा हो गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, या फिर जो है कि अपने दुकान धंधा से, किसानी से, स्टूडेंट कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। देखो भैया इसका टाइम आ रहा है क्या? ओके हाँ या ना? यस सर। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको ज्यादा दे पाऊंगा, अब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कटौती हो जाएगी। तैयार है? आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है सर, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज हर घर में बीमारी है और हर घर में बेरोजगारी है, यस या नो? यस या नो? बेरोजगारी की मैं बात करूंगा, दो तरीके की बेरोजगारी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बेरोजगारी है, हाँ या ना? हाँ या ना? दोस्त एक वो बेरोजगारी जो पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में कैसे भी करके जो है कि 40-50 हजार, 1 लाख रुपए महीने के 10-15-20 हजार अपने क्वालिटी के अनुसार कमा रहे हैं, यस या नो? यस या नो? अगर कोई व्यक्ति अगर घर में 1 लाख रुपया भी कमा रहा है तो 4-5 बेरोजगार घर में बैठे होंगे, यस या नो? यस या नो? दोस्त बहुत से ऐसे भाई हैं मार्केट में कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उनके पास ना टैलेंट है, ना ही बहुत बड़ी एजुकेशन है, ना ही बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी उनके पास कोई मौका नहीं है, यस या नो? यस या नो? एमटेक, बीटेक, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ला, पायलट जैसी इतनी लाइलाज, मतलब बहुत ही खतरनाक समस्या डिग्रियां लेने के बावजूद, जिनमें 4-5 साल डिग्रियां लेने के बावजूद भी वो सारी चीजें नहीं हो पाती है। आज भी कोई 30 साल, कोई 35 साल, कोई 25 साल हो गया है और कहीं ना कहीं जो है कि वन डे एग्जाम की तैयारी चल रही है, यस या नो? यस या नो? लेकिन दोस्त घबराने की कोई बात नहीं है, मौका अभी नहीं है तो आपको मौका मिल जाएगा। अब तक आप कहां थे, किस सिचुएशन में थे, आपका घर पे सिलेंडर वाले पे ध्यान जा रहा था, या फिर जो है कि घर में कोई अनोखा काम छोड़ के आए थे, या फिर जो है कि आपके प्राइवेट वाले मैडम की याद आ रही है, या फिर अपनी, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ आप 20 मिनट अपने बॉडी और माइंड को प्रेजेंट करके रखना और मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, आपको बिलीव दिला सकता हूं। तैयार है? आपसे गुजारिश है, ना मैं आपको कुछ दे पाऊंगा और ना ही आप हमें कुछ दे पाएंगे, लेकिन आप बहुत कुछ पा सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी को दे नहीं सकता ना ले सकता, यस या नो? सब ऊपर वाला है और यह अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। दोस्त वेलकम फॉर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी।